आपका सवाल नंबर एक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना एज होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ए 20 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। आपका सवाल नंबर दो है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी असम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुजरात। आपका सवाल नंबर तीन है, भारत के किस राज्य में दूध की सबसे ज्यादा खपत होती है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी बिहार में, डी मध्य प्रदेश में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। आपका सवाल नंबर चार है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज में है? आपके ऑप्शन है ए बांग्लादेश का, बी भूटान देश का, सी क्यूबा देश का, डी नेपाल देश का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नेपाल देश का। आपका सवाल नंबर पांच है, किस जीव का दिल एक मिनट में 1000 बार धड़कता है? आपके ऑप्शन है ए मेंढक का, बी छिपकली का, सी बिच्छू का, डी सांप का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी छिपकली का। आपका सवाल नंबर छह है, किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? आपके ऑप्शन है ए गाय के, बी भैंस के, सी ऊंट के, डी भेड़ के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भेड़ के। आपका सवाल नंबर सात है, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए नाइजीरिया देश में, बी तिब्बत देश में, सी मिस्र देश में, डी चिली देश में। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी चिली देश में। आपका सवाल नंबर आठ है, कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है? आपके ऑप्शन है ए जिराफ, बी खरगोश, सी चूहा, डी प्लैटिपस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्लैटिपस। आपका सवाल नंबर नौ है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए केरल में, बी उड़ीसा में, सी तमिलनाडु में, डी राजस्थान में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। आपका सवाल नंबर 10 है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है ए चीन में, बी आइसलैंड में, सी नॉर्वे में, डी कांगो में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे में।